अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हीरा किचन जोन। और आज मैं आप लोगों के साथ आप लोगों की फरमाइश पे कच्चे कीमे की कबाबों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ध्यान रहे, बहुत लजीज और मज़ेदार बनते हैं। आपने आधा किलो प्याज लेनी है, इसके साथ ही अपने हिसाब से मैंने 40 से 45 छोटी हरी मिर्चें ली हैं, एक टुकड़ा आधा पाव के करीब हमने अदरक ली है 4 टेबल स्पून, साबुत धनिया 3 टी स्पून, मैंने सफ़ेद ज़ीरा ली है। नॉन स्टिक पैन में इसको मैंने रोस्ट कर लिया था। ध्यान रहे कि ये जले ना, नहीं तो जलने की स्मेल कबाबों में आ जाएगी। और आपने लहसुन लेना है, तकरीबन 4 से 5 पोतियाँ लेनी हैं आधा पाव। कीमे को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पानी से निथार लिया था, निचोड़ दिया था पानी को बिल्कुल, और ये सब चॉप कर लिया था। और मैंने इसके अंदर जो लहसुन दिखाया था वो चॉप नहीं किया है। वो क्यों नहीं किया, उसकी मैं आपको आगे वजह बताती हूँ कि क्यों नहीं किया। तो आपने कीमे के अंदर सारे मसाला डाल देने हैं। हरा धनिया आधी गड्ढी बारीक काट के डालनी है, पहले से ही धो लेना है, खुश करने के बाद डालनी है। पानी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपके कीमे मतलब कच्चे कीमे को बहुत अच्छे बनेंगे। और बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पे एक योग 7 डाल रही हूँ, ठीक है, ताकि इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब टूटते हैं तो इनको बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। और ये साबुत धनिया मैंने जीरे के साथ पीस के डाला है, बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं रखा, कम दरदरा रखा है, नहीं तो मुँह में आता है और बच्चे और बड़े निकाल देते हैं। हसबे जायका आपने नमक इस्तेमाल करना है। और ये है कि अब मैंने यहाँ पे जो लहसुन मैंने आपको दिखाया था वो मैं इसका पेस्ट शामिल कर रही हूँ। पेस्ट शामिल करने का मकसद ये है कि लहसुन के अंदर एक कुदरती तौर पे एक बाइंडिंग होती है, मतलब एक चुपक जिसको हम कहते हैं, तो उससे एक अजीब मतलब एक अलग ही तौर पे बाइंडिंग हो जाती है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि ये कबाब फ़ौरन झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, फ्राई करने में मसला होता है। तो देखें, मेरे कबाब एक ही दफ़ा में इतने अच्छे बनते हैं, क्योंकि ईदुल्अज़हा का मौका हो, कोई पार्टी हो, तो हम तब भी ये कबाब बनाएं, इनकी शेप कोई भी शेप ले लेते हैं, ठीक है। चपली कबाब भी इसी तरीके के होते हैं, लेकिन उसकी रेसिपी बिल्कुल चेंज है। ये सिर्फ कच्चे कीमे में इतने ही इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। आप चाहें तो यहाँ कच्चा पपीता ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी कीमा इतना बारीक था और मैंने इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके भी रख दिया था, ताकि इससे ये हुआ था कि सारा मसाला आपस में यकजान हो जाए। बहुत मज़े के ये कबाब बनते हैं। इसको आप कहीं बच्चों को कहीं जाना है, कहीं बच्चे कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं, तब भी दे सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पार्टी है तो आप इसको बनाकर खा सकते हैं। और इसको 1 हफ़्ते के लिए हम फ्री सिर्फ कीमे को कर सकते हैं, क्योंकि इसकी शेप टूट जाती है। ये आप हाथ के हाथ तकरीबन 8 से 10 कबाब बनाते जाएं और फ्राई करते जाएं, नहीं तो इनके अंदर प्याज शामिल होती है, प्याज अपना पानी छोड़ती है। तो फ्रीज़ के लिए मैं इसको सिर्फ 1 हफ़्ते फ्रीज़र करती हूँ, उसके बाद इसका बहुत ज़्यादा इसका टूटने का खदशा रहता है। तो इसलिए आपने इसको इंजॉय करना है, और मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी, आपको पसंद आए नहीं आए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि इतने मेहनत से वीडियो बनती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।